मेरा नाम सतनाम सिंह माणक है, मैं हिंद भग दोस्ती मंच का जनरल सैकटरी हूँ। तो अज का जोड़ा सैमीनार करवाया गया, यदा मुख मकसद ये सगा कि जी 1996 तो असी भारत पाकिस्तान के दरम्यान अमन तो दोस्ती लहर चला रहे हैं, उन्होंने इस करोना महामारी के समय में भी इनू अगे वधाया जाए। इस संबंध से ही यह सैमीनार रख्या गया सी। साडा मकसद जिस तरह है कि असी चाहते हैं कि भारत पाकिस्तान के दरम्यान जोड़े संबंध आ बेहतर होने चाहिए है, तो आम लोगों ट्रेड तो टूरिज़म के खेत्र जोड़ा मिल वरतन का मौके मिलने चाहिए। इस मकसद लिए असी ये सैमीनार किया, इस बारे विचार चर्चा हुई है। इस तो अलावा दूजा वड्डा मसला ये किसानों का, किसानों के बारे ज 8-9 महीनों तो किसान दिल्ली दियां सरहदां ते बैठे आ, पंजाब संघर्ष कर रहे हैं। साडी बड़ी स्पष्ट राय आ कि खेती जिहड़ी है वो किसानों कोल ही रहनी चाहिए है, बाकी व्यापार च ते होर कम्मां च इंडस्ट्री च वो कारपोरेशन भारत के व्यापारियां बाहर के व्यापारियां बाहर दियां कंपनियां वो साढ़े लिए मुद्दा नहीं। साढ़े लिए मुद्दा यह है कि लोगों के जोड़े जीण थीण का जोड़ा धंधा है वह खेतीबाड़ी है, खेतीबाड़ी किसानों को रहनी चाहिए है। तो जोड़े सरकार ने जोड़ी खेतीबाड़ी का व्यापार खेतीबाड़ी की उत्पादन जोड़ा वो बड़िया कंपनियों के हवाले करने जोड़ा कानून बनाया ये वापस लै जाने चाहिए है, गलबात करके किसानों मसले जोड़े आ सुलझाए जाने चाहिए है। ये हाँ जी दसो जी, हाँ जी हिंद पाक दोस्ती बारे, हिंद पाक दोस्ती के संबंध च मैं ये गल कहनी चाहना कि भारत ते पाकिस्तान के लोगों नूं एक ताकतवर लहर बनानी चाहिए है, ता कि सरकारां नूं मजबूर किया जा सके कि वह सरहदां खोलन। तो इस दे नाल ही भारत के लोगों नूं पाकिस्तान के लोगों नूं अतवाद ते वक्खवाद के खिलाफ़ डट के खड़े होना चाहिए। किसी भी देश के अंदर जिहड़ा किसी भी दूजे देश तो उठ के जिहड़े अतवादी तंजीमां जिहड़ियां बंब धमाके करदियां जां सिख्या दिख्या दे के इत्थे अतवादी भेजे जा रहे हैं, जे इस तरह का अमल जिहड़ा वो रुकना चाहिए। असी हमेशा उसकी विरोधता की है, असी जिहड़ी हिंद पाक दोस्ती लई लहर चला रहे हैं वो किसी नूं खुश करन लई नहीं चला रहे, असी अतवाद वक्खवाद दे पूरी तरह खिलाफ़ हैं। तो ये असी चाहते हैं कि फिरकाप्रस्त ताकत अतवादी ताकत जिहड़ियां वक्ख-वक्ख देशों के अंदर रिश्ते खराब कर रही हैं, उन्होंने सरकार आपो अपने देशों पर काबू पाउण, तो आम लोग जिहड़े पत्रकार है बुद्धिजीवी है लेखक है कलाकार है तो उन्होंने ये अपन सरहदा खोलन, ता कि इस खिते अमन तो दोस्ती लई एक मजबूत लहर खड़ी की जा सके। ये देशों का भला, देशों के लोगों का भला, ये सरकार का भला, इन यतना ना ही यह खिता खुशहाली वल जा सकता, नहीं इतने भुखमरी पई रह। दसिया कि साड़ी जी अमन की लहर सी, हिंद पाक दोस्ती की लहर सी, जा जी दक्षणी एशिया अमन तो सद्भावना की लहर सी, वो बड़ी अगे तक जा चुकी सी। जिहड़ा हिंद पाक दोस्ती मंच फोकलोर रिसर्च अकैडमी सापमा असी सिर्फ भारत ते पाकिस्तान के दरम्यान अमन ते दोस्ती लई नहीं कम कर रहे सी, बल्कि दक्षणी एशिया च अमन ते दोस्ती लई कम कर रहे सी। तरह ये 26वां साडा हिंद पाक दोस्ती मेले की थां एक्ती जिहड़ा पहला पड़ा वो सैमीनार दा पड़ा आ, हिंद पाक दोस्ती दा जिहड़ा अही कह रहे कि इन्हां दी महत्ता की आ, तो हुण जिहड़ा राजनीतिक जिहड़ा हालात की ने, इत्ते जिहड़ा सैमीनार चल रहा जिहड़े विद्वान आए ने बाहरों वो इत्ते अपने विचार पेश कर रहे, इहदे उत्ते अही जिहड़ा मंग पत्र भी सरकार नूं जिहड़ा देना आ, जां जिहड़ा मता पास किया वो मते दे विच ही साडे च आ कि बार्डर जिहड़ा खुलना चाहिए, उहदा व्यापार खुलना चाहिए, वीजे दीआं जिहड़ी शर्तां जिहड़ियां उह खत्म करके वीजा नाल खोलना चाहिए दोनों ते, लोग एक दूजे नूं मिलन, लोग अपना किताबां दा तो होर चीज़ा का आनंद आदान प्रदान कर। तीजा ही क्या कि जरा करतारपुर साहब का राह जरा उन्होंने खोल देना चाहिए, लोगों को उत्थे जान देना चाहिए। ती चौथा ही कहने कि जरा 26 साल पहला इतने जरा समारक बनाया सी, वो समारक नैशनल हाईवे ने खराब करता सी, हुण नैशनल हाईवे ने पूरा तैयार करता, वो अकैडमी के हवाले कर दें, तो जेडे पत्थर उतों लाए ने वो पत्थर उसरे उस लाए जाते इन्हों उन्होंने सौंप देना चाहिए। ये जड़िया साड़िया मेन मंगा ने। चौथा तो 6वां ही रखा आ कि जोड़े किसान जोड़े 550 के उत्ते जोड़े किसान जोड़े वो साढ़े तो विछड़ गए ने, उन्होंने की कहते उन्होंने मुआवजा दिता जाए, सरकार दे तो उन्होंने घरदू जे नौकरियां दे, ये साड़िया जो मेन मंगा। पाकिस्तान तो मैं नहीं, पाकिस्तान तो आए नहीं सर, जो वीजे ही बंद ने सर, दोनों पासे दरवाजे बंद हो गए, कितों आने ने,
जिते 500 लोग आते खास करके अं कहने जो बार्डर का जो इन्हों व्यापार खोलिया जाए व्यापार खोलिया जाए तो जोड़ा वो समारक जी ढाई सी बना दिता आ पत्थर उस तरह ला के अकैडमी के जोड़े हवाले कर देने चाहिए।